आज हम बनाएंगे भिंडी की एक अनोखी सब्जी। जो भिंडी खाते हैं उनको तो बहुत पसंद आने वाला है, और भिंडी जो नहीं खाते हैं उनको भी ये भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कुछ फ्रेश भिंडी लिए हैं, उनको हमने धो के अच्छे से पोंछ के रखे हैं। अब ये भिंडी के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हम कट कर देंगे। अब ये भिंडी में कट लगा देंगे और चेक करेंगे इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। और कट लगाने की और एक फायदा है कि जब हम मसाले बनाएंगे तो मसाले इसके अंदर अच्छे से चले जाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हम सारे भिंडी को ऊपर और नीचे का हिस्सा कट कर देंगे और मिडिल में कट लगा देंगे। ऐसे ही हम सारे कट करके रखेंगे। कट करने के बाद हम उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अब चलते हैं, एक पैन हीट करेंगे और उसमें कस्तूरी मेथी डाल के उसको 1 मिनट तक स्लो फ्लेम में भून लेंगे। कस्तूरी मेथी को भूनने के बाद हम इसको निकाल देंगे और वही कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे। स्लो फ्लेम में कुछ टाइम भूनने के बाद इसमें से एक खुशबू आएगा, तो तब हम इसको निकाल देंगे और एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके भिंडी को हमने जो काट के रखे थे उसको डाल देंगे। अब ये भिंडी में 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये भिंडी को हम कवर करके नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसका कलर जो ग्रीन है वो चला जाएगा। जब तक भिंडी फ्राई होता है तब तक हम कुछ मसाले बना लेते हैं। एक कटोरी लेंगे और उसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ही अमचूर का पाउडर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी दे के इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि पाउडर मसाला अच्छे से फूल जाए और उसमें फ्लेवर आ जाए। अब देखिए भिंडी हमारा फ्राई हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा और पकाएंगे भिंडी को। 5-6 मिनट फ्राई करने के बाद भिंडी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको प्लेट में निकाल देंगे। भिंडी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है। अब देखिए भिंडी हमने फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं, एक जार लेंगे और उसमें एक प्याज को हमने टुकड़ा करके काट के डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन और अदरक के टुकड़ा डालेंगे। अब इसमें पानी देंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अब देखिए पेस्ट को एक निकाल देंगे और वही जार में 2 टमाटो को कट करके डालेंगे और टमाटो का एक फ्यूरी बनाएंगे। हम ये भिंडी के मसाले में टमाटो का फ्यूरी इस्तेमाल करने वाले हैं और इसको भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हमारे मसाले तैयार हैं। अब चलते हैं, जिस पैन में हमने भिंडी को फ्राई किए थे उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब देखिए इसमें हमने जो मसाले तैयार करके रखे थे, अदरक प्याज और लहसुन का, वो मसाले में हम 2 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो पाउडर मसाले तैयार करके रखे थे उसको भी हम डाल के ये मसाले, सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारा भून ही रहा है तो उसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और जो बेसन हमने फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। भुना हुआ बेसन डालने से ग्रेवी हमारा बहुत ही गाढ़ा बनेगा। और बेसन को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें कोई भी गुटलियाँ ना रहे, तो इसमें थोड़ा सा ही पानी देके हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। भुना हुआ बेसन और टमाटो प्यूरी डालने से ग्रेवी गाढ़ा बनती है और इसमें एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब सारे मसाले और टमाटो प्यूरी को हम अच्छे से 3-4 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हम दही डालेंगे, लेकिन दही डालने से पहले गैस के फ्लेम को स्लो करेंगे, नहीं तो पूरा बंद ही कर देंगे गैस को, फिर हम दही डालेंगे, नहीं तो दही गरम में डालने से दही फटने लगेगा और पूरा मसाला हमारा खराब हो जाएगा। तो देखिए दही डालने के कुछ टाइम हम भूनते रहेंगे, फिर हम उसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम जितना चाहिए हम उतना ही, अगर चाहे तो गर्म पानी दे सकते हैं, नहीं तो ठंडा पानी डालने के बाद फिर हम उसको थोड़ा सा उबाल लेंगे, फिर उसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड नहीं किया था, तो स्वाद अनुसार नमक और कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब इसमें 3-4 मिनट के लिए हम उबाल आने देंगे, फिर हम उसमें जो भिंडी को फ्राई करके रखे थे भिंडी डाल देंगे। अब भिंडी डालने के बाद भी हम ये मसाले को और ये ग्रेवी को 3-4 मिनट के लिए उबालेंगे स्लो फ्लेम में। अब 3-4 मिनट के बाद ग्रेवी हमारा गाढ़ा भी बना है और सब्जी हमारा बन के तैयार है। अब चलते हैं, उसको प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इस भिंडी की सब्जी को रोटी, पराठा और राइस के साथ खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज वाला रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।